नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव, स्वागत है आपका यादव मार्बल में। जी हाँ दोस्तों, आज स्पेशल वीडियो है, यूनिक वीडियो है। आज हम बात करेंगे पाँच रुपए में ग्रेनाइट से लेकर 200 रुपए तक के ग्रेनाइट की अपन बात करेंगे, क्योंकि सब पूछते हैं इसमें कौन सी वैरायटी आती है, आप मुझे फोटो भेजिए, आप मुझे इसकी रेंज भेजिए। तो इन सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको इस सारे वीडियो दोस्तों लंबा है थोड़ा और एंड तक देखिए, अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए ग्रेनाइट की कि 5 रुपये से लेकर 150 से 200 रुपये की रेंज में ग्रेनाइट में क्या क्या आता है, तो वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। साइज, कलर और माइनिंग, जी हाँ दोस्तों, तीन चीज़ से रेट इफेक्ट करती है, कम या ज़्यादा किस तरह से होता है। ये यादव मार्बल का स्टॉक यार्ड है जहाँ आप मार्बल के स्टॉक यार्ड में अपन घूम रहे हैं, और पीछे जाएंगे जहाँ ग्रेनाइट के जो मिनिमम रेंज है वो वहाँ जहाँ कट रही है और जहाँ मैं आपको दिखा सकूँ। और ये पास वाला ग्रेनाइट का स्टॉक यार्ड है, उसके अलावा पीछे फैक्ट्री है, मैं वो भी आपको विजिट कराऊंगा कि फैक्ट्री के शेड में आपको कौन कौन से कलर मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले वीडियो, आने वाली संपूर्ण जानकारी आपको समय पर उपलब्ध होती रहेगी। आपका मकान जब बनता है तो आप अपना मटेरियल सर्च करने लगते हैं और लगभग 2-3 महीने इस प्रोसेस में लगते हैं, तो 2-3 महीने में जो भी वीडियो आते हैं वो आप देखते रहें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, ग्रेनाइट की जानकारी अब शुरू करते हैं, बात करेंगे ग्रेनाइट के छोटे साइज से। जी हाँ दोस्तों, 5 रुपये में ग्रेनाइट क्या आता है, तो 5 रुपये में भी ग्रेनाइट आता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये कटिंग मशीन है और यहाँ छोटे पीस, जी हाँ दोस्तों, जैसे आप बात करेंगे ये छोटे पीस आते हैं, 4x4, 6x6 और छोटे पीस आते हैं। मैं इस साइड थोड़ा लेके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से, देखिए बिल्कुल ग्रेनाइट है, क्वालिटी सुपर है। और इसमें थोड़ा सा और बड़े साइज भी हैं अवेलेबल, आप बड़े साइज देखेंगे, ये इससे बड़ा साइज आ गया, तो ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा मतलब 4x6, 6x6, 9x6, 12x6, 12x4 और 15x4, 15x6, 18x6, 1x6 और इस तरह की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारी साइजेज हैं, आप देखेंगे ये है, देखिए दोस्तों ये आ गया अपना 15x6, जो सबसे छोटा साइज है उसका रेट 5 रुपये है। अगर आप 4x4 लेते हैं दोस्तों, उसका 5 रुपये रेट है। फिर जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये तक की वैरायटी आपको इस छोटे साइज में, छोटा साइज मतलब अंडर 1, 1x1 से नीचे की जो साइज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपको 10 रुपये तक खत्म हो जाएगी। इसमें 9 रुपये, 10 रुपये, आप जैसे 9x9 ले रहे हैं या 9x18 ले रहे हैं तो उसका रेट लगभग 10 रुपये के आसपास आता है। तो ये मैंने आपको बताई छोटी साइज। छोटी साइज में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मिस्त्री लगाने के लिए मेहनत करना चाहिए, और उसके अलावा बजट अगर कम है तो साइज छोटा आएगा। थोड़े जॉइंट्स दिखेंगे, जॉइंट्स को अगर आपको नहीं दिखाना हो तो आप बीच में दाना भरिए, दाना भरने से उसका गैप कम हो जाएगा और उसकी मजबूती आ जाएगी। उससे छोटा पीस कभी उखड़ेगा नहीं, कभी हटेगा नहीं, तो आप दाना भर के उसको अच्छा सा लगा सकते हैं। और अलग अलग कलर में आते हैं, आप पूरा पी वाइट में लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। मान लीजिए आप लेंगे एक चीमा, मोस्ट ऑफ जो बड़े कलर होंगे वो मतलब बड़ी क्वांटिटी आपको एक कलर में चाहिए तो पी वाइट, चीमा और ब्लैक, तीन कलर में अवेलेबल होती है। उसके अलावा बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन उनमें कितनी वैरायटी उपलब्ध हो वो देखने वाली बात है। अब इससे चलेंगे 10 रुपये से ऊपर और थोड़ा सा साइज भी ऊपर। जी हाँ दोस्तों, साइज बढ़ेगा तो थोड़ी रेट भी बढ़ेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यादव मार्बल का स्टॉक यार्ड आप देखते चलिए, ये जो बड़े साइज हैं ये उनका अवेलेबल स्टॉक यार्ड है। और इस साइड हम बात करेंगे छोटे साइज की। हाँ, तो दोस्तों ये अब बात करेंगे छोटे साइज, छोटा साइज मतलब ये कुछ लोग तो शायद जानते भी नहीं कि 1x1 से भी नीचे आता है, जो मैंने आपको जानकारी दी। तो अब ये सबसे छोटा साइज ग्रेनाइट का बोलेंगे जिसमें फुट, जी हाँ दोस्तों, इसका मेजरमेंट फुट में होता है। अगर फुट 1x1 जो फुट है, अगर वो मिनिमम जो नापने की स्केल है वो है, तो उसके अंदर ये अवेलेबल है आपको। ये 1x1 की आपको देखेंगे कट साइज का टाइल है, इसको हम टाइल बोलते हैं, बहुत बढ़िया मटेरियल में आएगा दोस्तों, कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्रेक नहीं आता है, वेरिएशन नहीं आता है, सब कुछ शानदार मिलेगा। पॉलिश भी अवेलेबल है, अनपॉलिश भी अवेलेबल है। अगर आप पॉलिश और अनपॉलिश में लेंगे तो 5 से 6 रुपये का फर्क आएगा। तो ये आपकी नीड पर है दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट है। मान लो आप कहीं ऐसे बेसमेंट में लगा रहे हैं, कमर्शियल बेसमेंट है, जहाँ आपको जरूरत नहीं है तो आप अनपॉलिश ले सकते हैं, या मान लो आपकी रेस्टोरेंट की किचन है या कुछ रेस्टोरेंट के इस तरह के वर्कआउट एरिया हैं, किसी बड़ी फैक्ट्री का फ्लोर है जहाँ पूरा मशीनरी लगना है, वहाँ फिनिशिंग नहीं चाहिए, तो आपने 5-6 रुपये का बजट कम करके
दोस्तों ये अनपॉलिश लगभग लेंगे तो 12-13 रुपए से स्टार्ट होके और 20 रुपए तक आएगा कि किस तरह का साइज है। साइज का मतलब आप देखेंगे, जैसे बड़ा साइज मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2x2 का साइज, 2x3 का साइज, ये बड़े साइज है, ये अनपॉलिश में है। आप देखेंगे पूरी वैरायटी आपको यादव मार्बल में हमेशा उपलब्ध रहेगी। अनपॉलिश बड़े साइज लेंगे तो 20 रुपए से स्टार्ट होकर 25 रुपए तक की अकॉर्डिंग टू साइज। इसमें देखेंगे पी वाइट के भी, आप देखेंगे पूरा वाइट बेस के बहुत शानदार मटेरियल है। आप देखेंगे कहीं क्वालिटी में कोई समझा नहीं, जहाँ आपके शहर में सस्ते से सस्ता ग्रेनाइट आपको 55 से 60 रुपए में मिलता है, तो वहाँ आप इसकी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। किशनगढ़ से आपका ट्रांसपोर्ट कहीं 10-12 रुपए, अगर आप बंगाल में हैं, केरला में हैं, तो मैक्सिमम 15-16 रुपए मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपके शहर से कंपैरिजन में किशनगढ़, और किशनगढ़ में यादव मार्बल जो वैरायटी, क्वालिटी और रेट की गारंटी देता है, तो किस तरीके से आप अपना रेट की कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। पूरा कट साइज का स्टॉक यार्ड है और इसमें ये अनपॉलिश है। मैं आपको पॉलिश के लिए भी आपको दिखाता हूँ कि पॉलिश जो कट साइज है, अब तक बात करें तो 1x1 की अब एक लॉट और आता है जिसमें 2+ का साइज आता है। 2+ का मतलब हो गया जिसमें 2 फुट हो, 2x3, 3.5, 2x4 तक, जी हाँ दोस्तों ये सारी वैरायटी आती है, वो मैं आपको उधर दिखाऊंगा, तो आप आ सकते हैं मेरे साथ। ये सारी रेंज जो है ये बिल्कुल पॉलिश और बिल्कुल रेडी टू फिट, जी हाँ दोस्तों, पूरी बड़ी साइज जिसमें 2 फुट+ का साइज आएगा और 2x4 तक के साइज इसमें आते हैं। सिमिलर कलर, कंप्लीट पॉलिश मटेरियल दोस्तों, ये लगभग आपको 28 से 30-32 रुपए तक की रेंज में आता है, जिसमें पॉलिश किया हुआ सिंगल कलर आपको क्वालिटी देंगे। अगर कलर मिक्स कलर लेते हैं तो रेट में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, तो ये भी एक ग्रेनाइट की अच्छी रेंज है। इसमें दोस्तों बड़े साइज का मतलब होता है जॉइंट्स कम दिखेंगे आपको, और बड़ी चीज होगी, हो सकता है आपकी लेबर कॉस्ट में भी कमी हो, वहाँ की जो फिटिंग करने वाले लेबर है बड़े साइज का रेट आपसे कम मांगे, छोटे साइज का ज्यादा मांगे, तो वो भी एक अच्छी चीज है। आप देख सकते हैं क्वालिटी कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप सुपर चीज देखेंगे। पास से देखिए, बिल्कुल पॉलिश किया हुआ कलर देखेंगे आप। पॉलिश दोस्तों, आप कभी भी अनपॉलिश ग्रेनाइट लें तो एक बार अपने जो फिटर है उससे राय जरूर लें, क्योंकि वो उसको घिस सकता है या नहीं, और या आपको अगर घिसावा नहीं चाहिए, अनपॉलिश चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर उसको वहाँ ले जाके घिसाने की सोच रहे हैं तो अपने मिस्त्री से राय करके फिर आप उस बारे में सोचें। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों, लगभग 30-32 रुपए तक का ये मटेरियल है। अब इससे ऊपर का ग्रेनाइट जो होगा वो अपन देखेंगे, जिसके अंदर इससे और बड़ा साइज आने लगेगा, बड़ी अच्छी क्वालिटी। तो मेन सबसे बड़ी बात है कि लॉट पूरा सिमिलर आ जाएगा। इसमें हो सकता है कि एक पीस किसी और का दोस्तों क्या होता है, जैसे वेस्टेज जो होता है, कट साइज जो बनता है, ये आप वेस्टेज देख रहे हैं, कुछ पीस टूट जाते हैं या कहीं माइन सिंक क्रेक आता है। दोस्तों यादव मार्बल कस्टमर को क्रेक नहीं बेचता है, अगर किसी भी लॉट में कुछ भी क्रेक, क्रेक का मतलब कहीं टूटा हुआ है, कहीं उसमें प्रॉब्लम देख रहा है फ्यूचर में, तो हम उसको सीधा लाके कटिंग लेके उसका कट साइज बनाते हैं, उसमें से फ्रेश पीस निकालते हैं, बाकी सब वेस्टेज जो पड़ा है वो आप देख सकते हैं। तो अब इससे ऊपर बात करेंगे दोस्तों की 40 से ऊपर हम क्या क्या वेरायटी अपने पास आ सकती है, तो अब देखेंगे 40 से ऊपर, वो देखना पड़ेगा अपने ग्रेनाइट स्टॉक यार्ड में। दोस्तों बात करेंगे ग्रेनाइट स्लैब की, अब तक बात थी छोटे साइज की, कट साइज की और कटिंग साइज की, और अब बात करेंगे पी वाइट की। दोस्तों जिस तरह ये स्टार्टिंग, जब भी कोई स्टार्टिंग होती है ग्रेनाइट की, तो सबसे पहले सबसे सस्ता माना जाता है पी वाइट आपके शहर में भी, क्योंकि पी वाइट में दोस्तों आप ये जो चीज देख रहे हैं ये लगभग 45 के आसपास है। अगर इसमें वेरिएशन मतलब आप देखेंगे इस तरह ब्लैक डॉट ही बड़ा हो, और या इस तरह से कोई काला पट्टा या कोई काली लाइन, वाइट लाइन कुछ इस तरीके के होंगे, तो वो इससे कम में आ जाएंगे, तो 45 से 50 में बहुत क्लियर और शानदार माल आता है, और थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आप ले सकते हैं तो 40-42 तक भी आ सकता है। तो ये दोस्तों ये है, इसी रेंज में चीमा आता है, अगर आप चीमा देखेंगे तो जो बात वेरिएशन की कर रहा दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लॉट ऐसे आ जाते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वेरिएशन बोला जाता है, हालांकि कुछ लोग इसको डिजाइनर के रूप में भी पसंद करते हैं, इसको डिजाइन जैसे बुक मैच में अगर डिजाइन में लगाया जाएगा तो वेरिएशन, मतलब आप देख रहे हैं कि हल्की सी लहर, ये क्रेक नहीं है, ये आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा, ये आपके कहीं मेजरमेंट में, क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ जो आपकी लुकिंग है वो एक तरह से कंप्लीट फॉर्मल नहीं होकर अलग अलग थोड़ा सा इसमें आ गया, वेव्स जिस तरह की आ गई है, इससे इसकी रेट कम है। ये 40-42 रुपए में अगर आप लेते हैं
तो आपको इस टाइप का मिलेगा। क्रेक की गारंटी यादव मार्बल की है दोस्तों, निश्चिंत होकर लीजिए, वेरिएशन आपको चलता है और क्लियर माल चलता है तो इसमें होगा। अब दोस्तों बात करेंगे 45 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इस तरह बात करेंगे, ये एक्वा ब्राउन है, सुपर क्वालिटी है जी हाँ दोस्तों, एक्वा ब्राउन बिल्कुल नेचुरल ब्राउन और बहुत क्रिस्टल और वेव्स दोनों का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और आप देखेंगे ये लगभग 47 से 48 के आसपास की मटेरियल है दोस्तों, 45 से ऊपर जाएंगे जैसे इसमें बिना वेरिएशन का आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल शानदार क्वालिटी आएगी। इसका मतलब होगा कोई पट्टा आ गया, कोई बड़ी लाइन आ गई, इस तरह से होगा, उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो ये आप 45 प्लस की रेंज में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो 45 से 50 में है, मैं बहुत सारे कलर दिखा दूँ दोस्तों आपको, जिस तरह बंगाल रेड देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छी वाली चीज़ आप देखेंगे, बहुत चलता है। और बंगाल रेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों ये बंगाल में ज़्यादा चलता है, बंगाल के अगर आप कस्टमर हैं, आपने कई जगह ये मेटल देखा होगा, हल्का सा रेड कलर पसंद करते हैं, क्वालिटी वाइज सुपर है, कलर बिल्कुल नेचुरल है, राजस्थान का प्रोडक्ट है इसलिए इसको बंगाल रेड बोला जाता है। उसके अलावा दोस्तों ब्लैक आप देखेंगे अगर 50 रुपये के आसपास आप चले जाएंगे तो ब्लैक मार्बल आने जाएगा, राजस्थान का ब्लैक जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान का कोटड़ा है। और क्वालिटी देखेंगे आप बिल्कुल नेचुरल, कोई कलर कोई वेरिएशन कुछ नहीं, साफ सुथरा शानदार माल। और आप फ्लोरिंग में काम में लीजिए, आप इसको चाहे टेक्सचर में काम में लीजिए, आपके कॉन्ट्रास्ट में दीजिए, पिलर किचन टॉप, उसके अलावा आपकी कहीं भी स्टेयर्स में काम में लीजिए, ये सब ब्लैक के ग्रेनाइट हैं आप देखेंगे। ये सब दोस्तों लगभग 48 से 50-52 के आसपास ब्लैक की, राजस्थान ब्लैक की बहुत अच्छी रेंज चालू हो जाएगी। और इसके ऊपर अपन जाएंगे दोस्तों तो गुजरात, जी हाँ दोस्तों ये गुजरात का मेटेरियल है, क्रिस्टल ब्राउन, ये क्रिस्टल ब्राउन और क्रिस्टल ब्लू दो तरह के मेटेरियल आते हैं। ये लगभग 70 के आसपास की रेंज है, 70 रुपये के आसपास जाना है तो गुजरात के कलर आएंगे, जिसमें दोस्तों एक अलास्का पैटर्न भी है, ये भी आप देखेंगे तो 70 रुपीज़ के आसपास आएगा। 70 रुपये में अगर आप खर्च करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। ये भी गुजरात से आता है, बिल्कुल यूनिक और एक तरह से वेव्स लिया हुआ, ये मानिए कि जिस तरह आप इम्पोर्टेड मार्बल की लाइनिंग और उन तरह के पैटर्न देखते हैं तो सेम वही क्वालिटी और उसी टाइप का आप देखेंगे। ये आप एलिवेशन में काम में लीजिए, सबसे ज़्यादा वही काम में आता है, तो ये 70 रुपीज़ का है। और दोस्तों और आगे चलेंगे, 70 रुपीज़ मतलब 60 और 70 के बीच में क्या क्या देख सकते हैं दोस्तों। ग्रेनाइट के 100 कलर से ज़्यादा कलर जो है किशनगढ़ में उपलब्ध हैं और यादव मार्बल भी मोस्ट ऑफ कलर आपको उपलब्ध कराता है। बहुत पुराना प्रोडक्ट देख रहे हैं, लगभग 48 से 50 रुपए की रेंज में है। उसके अलावा दोस्तों एक आप देखेंगे इस लपात्रो ब्राउन और लपात्रो ब्लैक, ये लगभग 60 रुपीस की रेंज में आएगा, राजस्थान का ग्रेनाइट का लपात्रो है तो लगभग इसी रेंज में आएगा। लपात्रो का दोस्तों लगभग 10 रुपए करीब एक्सपेंसेस आता है, तो अगर ये मेटेरियल जो 48-50 में है उनके लपात्रो कराएंगे तो वो सब आपको 60 रुपए के आसपास आएंगे, तो ये 60 रुपीस के मेटेरियल है। और उसके अलावा ये देखेंगे एस वाइट, जी हाँ दोस्तों एस वाइट 70 की रेंज में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो एस वाइट 70 से लेकर 80 तक की रेंज में उपलब्ध है। पी वाइट और एस वाइट फर्क सिर्फ आपको क्रिस्टल का है, जितना फाइन क्रिस्टल होगा उतनी उसकी रेट ज़्यादा होगी, तो अगर एस वाइट लेंगे तो क्रिस्टल फाइन है और अगर पी वाइट लेंगे तो उसका क्रिस्टल थोड़ा बड़ा आएगा, लीव थोड़ी बड़ी आएगी। और उसके अलावा एक मैं आपको दिखाऊँ, 70 से ऊपर अगर बन जाएंगे तो ये आएगा आपका वुडन, जी हाँ दोस्तों टिकवुड के नाम से जाना जाता है, बैच कलर में आएगा और ये आपको कंट्रास्ट देने के लिए काम आएगा, बिल्कुल पॉलिशिंग आएगा दोस्तों, ग्रेनाइट 100% पॉलिश ही आएगा, कोई भी स्लैब ले रहे हैं तो पॉलिश की आप चिंता ना करें। अगर आप मार्बल और ग्रेनाइट दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं और तो रेट 10 रुपये जो आपके यहाँ पॉलिश का लगता है, 8 रुपये 10 रुपये शायद आपके शहर में, तो वो आप लेस करके आप ग्रेनाइट का लें। ये 90 रुपीज़ की रेंज में है, 90 रुपीज़ में टिकवुड आ गया है। और आप दिखा दो ये अलास्का पिंक, जी हाँ दोस्तों इसकी रेट कम इसलिए है क्योंकि 16 mm है, इसकी जो थिकनेस है वो 16 mm है। और बाकी अलास्का पिंक बहुत अच्छी क्वालिटी, अलग सा लुकिंग, बहुत अच्छी वेव्स और क्रिस्टल का जो एक तरह से कॉम्बिनेशन कहेंगे उसमें ब्लैक और पिंक का जो काम आएगा अलग सा लुक देगा। फ्लोरिंग कर सकते हैं, फ्लोरिंग का आइटम है दोस्तों, फ्लोरिंग जब भी करें लाइट कलर से करें, कोशिश करें कि लाइट कलर, क्योंकि फ्लोरिंग लाइट कलर का अच्छा लगता है। उसके अलावा अपनी कंट्रास्ट में या आपकी स्केटिंग में या आपकी तरह से
और कहीं देना चाहें तो डाक दे सकते हैं। तो ये अलास्का हो गया। तो दोस्तों अब देखेंगे 90 से ऊपर, अगर आपको 100 रुपीज़ प्लस के या 90 रुपीज़ के मटेरियल हैं तो वो अपन अपनी फैक्ट्री में जाएंगे, यादव मार्बल की फैक्ट्री और स्टॉक यार्ड में जाना पड़ेगा, उससे ऊपर के मटेरियल आपको वहाँ दिखाऊंगा। तो चलते हैं स्टॉक यार्ड में। तो दोस्तों 90 रुपीज़ की रेंज में अगर आपको वाइट में जाना हो तो आपके लिए बहुत यूनिक ऑप्शन, जिसको चाइना वाइट बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एस वाइट का थोड़ा अपग्रेड मॉडल है। आप जो देखेंगे वाइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, हल्के से गोल्डन डॉट आएंगे। तो ये चाइना वाइट है, लगभग 85 से 90 रुपीज़ की रेट में है। वेरिएशन का कोई नामो निशान नहीं है, क्वालिटी एकदम सुपर है। तो आप अगर वाइट में अच्छी रेंज में जाना चाहते हैं फाइन क्रिस्टल में, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाता हूँ दोस्तों। जिस तरह ये देखेंगे आप, एक 90 रुपये की रेंज में टिकवुड का एक और लॉट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये थोड़ा सा फाइन टिकवुड है और वो थोड़ा सा वुडन कलर में था। ये हल्का सा लाइट वाइट से ऑप्शन में है, अगर आप दूर से देखेंगे तो हल्का सा बिल्कुल बेज लाइट दिखेगा। और उसके अलावा दोस्तों एक ये आएगा आपको विस्कॉन वाइट, या दोस्तों ये 75 की रेट में है, इसको विस्कॉन वाइट बोलते हैं। एक वेव जिसे कहेंगे कंटिन्यू वेव, इसमें क्रिस्टल या आपको डॉट या आपको लूज नजर नहीं आएगी और वेव नजर आएगी। इसके दो बेहतरीन लॉट है, इससे भी अच्छा लॉट आप ये देखेंगे। दोनों लॉट हालांकि सोल्ड है, लेकिन ये कंटिन्यूटी प्रोसेस का मटेरियल है तो आपको हर वक्त उपलब्ध रहेगा। ये लगभग 75 के आसपास है। और उसके अलावा एक के रेड, जी हाँ दोस्तों एक के रेड है, ये लगभग 80 के आसपास का मटेरियल है, इसको के रेड बोलते हैं। बिल्कुल नेचुरल रेड है, डॉट बिल्कुल बारीक आएगा, बहुत शानदार लुक देने वाला है। इसके अलावा आप ये देखेंगे ये एक बिल्कुल लाइट, जी हाँ दोस्तों जो आपने चाइना वाइट देखा उसका ऑप्शन जीरावल वाइट। जी हाँ दोस्तों, जीरावल अगर आपको लेना है, आपने बहुत नाम सुना होगा जीरावल का, यह जीरावल वाइट जो आएगा बिल्कुल बारीक वाला पिक्सल है और फाइन क्रिस्टल का मटेरियल है। लगभग 100 रुपये की रेंज में, जी हाँ दोस्तों अब आ गए अपन 100 रुपये की रेंज में। इस 100 रुपये से ऊपर अपन क्या ले सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। 100 से ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको अलास्का फैमिली में बहुत सारा मटेरियल मिल जाएंगे जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अलास्का की थिकनेस 20 mm आएगी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, ये अलास्का वाइट, अलास्का वाइट का दोस्तों लॉट हमेशा चेंज होते रहते हैं, एक पैटर्न अपने को फिक्स का ध्यान होता है कि अलास्का में लीव्स और इस तरह की लाइनिंग आती है। तो एक ये अलास्का वाइट का आप देखेंगे बहुत खूबसूरत सा मॉडल है। कुछ यहाँ पर जो ये पेचेज आए हैं ये इसको बेहतरीन लुक देंगे। जब इसकी आप फ्लोरिंग करेंगे तो आपकी फ्लोरिंग को ये आप बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट लुक देंगे। इसके साथ आप ब्लैक की पट्टी घुमाइए, साउथ ब्लैक की, और बहुत अच्छी लगेगी। अलास्का का ये लगभग 110 के आसपास का मटेरियल है, 110 रुपये के आसपास। और अलास्का में सेकंड मटेरियल आएगा अलास्का बैज। जी हाँ दोस्तों, अलास्का बैज थोड़ा सा पिंकिश कलर है, लेकिन ये बैज प्रॉपर बैज कलर है, तो अलास्का बैज के नाम से इसको जाना जाएगा। 20 mm थिकनेस है अलास्का, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ ये सब 20 mm की थिकनेस में है। 20 mm में प्रोसेस किया गया है और बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल शानदार, आप कहीं भी नॉन कंप्लेंट मटेरियल है। और ये सब वो कंप्लेंट मतलब वो मटेरियल हैं जो आपके घर को बेहतरीन लुक देंगे, अलग लुक देंगे, जो लोग ग्रेनाइट, लेकिन दोस्तों रेंज की बात है, 100 प्लस जाएंगे तो अपने आप में यूनिक आएगी। और अलास्का में इसमें रेड दिखा सकता हूँ दोस्तों, अलास्का गोल्ड आता है, ये रेड का ऑप्शन है, अलास्का रेड, और बिल्कुल डार्क और रिच लुक। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी हैवी लुक देना चाह रहे हैं अपने आप को, रेड टोन के अंदर कुछ राजा महाराजा और इस तरह का कुछ लुक देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए गोल्डन और रेड दोनों ऑप्शन है। ये गोल्ड है, इसी लीव्स में और इसी मटेरियल में गोल्ड आता है, वो भी उपलब्ध है दोस्तों। तो ये अलास्का गोल्ड और ये सब लगभग 140 के आसपास के मटेरियल है और जो मैंने आपको दिखाए। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे मटेरियल हैं जो आपको दिखाया, लगभग इसी रेंज में उपलब्ध हैं। अब एक मिनट, अब कौन सा दिखाएं दोस्तों, रेंज बहुत सारी उपलब्ध है और कम से कम भी 100 से ज़्यादा कलर आते हैं। मैंने आपको 150 रुपीज़ से दिखाया, एक साउथ का ग्रेनाइट और है जिसको साउथ ब्लैक बोला जाता है। या दोस्तों ये बिल्कुल साउथ ब्लैक है, विदाउट एनी डॉट, और बहुत अच्छी क्वालिटी में आएगा। आप देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैक जिसे कहेंगे, अगर आपने पुराने मटेरियल में देखा वो साउथ ब्लैक आता है, 170 से 180 के आसपास का मटेरियल है। और दोस्तों लाखा रेड आता है, लाखा रेड भी अप्रोक्स इसी रेट में है, 170 से 180 के आसपास, 180 से स्टार्ट होकर 200 तक लाखा रेड आता है, वो भी पीछे स्टॉक में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैंने एक सेगमेंट तैयार करने की कोशिश करी कि आपको 5 रुपये से लेकर लगभग 200 रुपये तक के ग्रेनाइट में
एक मोटा मोटी आपको आइडिया लगे कि किस तरह का ऑप्शन आता है, कि आप किस रेंज में क्या ले सकते हैं। आप जब आप, जो आपकी रेंज हो, मान लिया कि 100 रुपए की रेंज है तो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दे सकता हूँ। आपकी 50 रुपए की रेंज है तो भी आपके पास ऑप्शन है। आपकी 15 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए रेंज है तो भी उसमें क्या ऑप्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का ग्रेनाइट अलग रेंज में आएगा, गुजरात का अलग रेंज में आएगा और साउथ का अलग रेंज में आएगा और अलास्का उसकी एक अलग सी रेंज है। तो ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रॉपर आपको मटेरियल की जानकारी दी जाएगी, वो कहाँ का है, उसकी क्या रेट है और वो आपके घर फ्लोरिंग पे या कहीं और लगाने लायक है या नहीं है, इसकी प्रॉपर जानकारी आपको यादव मालवे के द्वारा दी जाती है। तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में लिखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहे दोस्तों, ताकि आपके मिलने वाले को पता लगे कि ग्रेनाइट और मार्बल की क्या जानकारी अगर उनके काम में आती है तो इससे ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ, ओम यादव, यादव मार्बल से जय हिंद, जय भारत।